आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED इंट्रेंस के लिए हिंदी ग्रामर के चैप्टर उपसर्ग से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो पढ़ाया है, बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन भी कराया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वह सभी वीडियो देख ले, और आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपको कितना आ रहा है, क्योंकि मेरे बोलने से आंसर बताने से पहले आप सभी लोग तो अपना आंसर देंगे ही। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला यहाँ प्रश्न जो है आपका, प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो है उपसर्ग समझ ले। उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के जो है कहाँ लगता है, पहले लगता है, पहले। और प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में लगता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, प्रदर्शन में जो है आपका प्र उपसर्ग है। कौन है? प्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अनुज शब्द में जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है दुरह जो उपसर्ग है यह लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो जो आपका अधर्म है इसमें जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? अ। देखिए यहाँ पर अ जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अगला यहाँ प्रश्न है आपका पाँच नंबर, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो जो आपका आमरण शब्द है इसमें जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आ उपसर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि निरपराध में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। जो आपका निरपराध है इसमें जो है निरह उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। जो यहाँ पर आपका परिश्रम है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए, पहला दो को चुनिए आप बाहर से। तो पड़ी, पड़ी जो है आपका यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, नज़र आता होगा। अगला यहाँ प्रश्न है, अपयस में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अपयस, जो यहाँ पर अपयस है इसमें जो है आपका अप जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, अवशेष, जो आपका अवशेष है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अवशेष में जो है आपका निम्नलिखित में से जो है ओ, ये देखिए ओ जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अनुरूप, तो यहाँ पर जो है अनु जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अनु जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। अगला यहाँ प्रश्न है, सद्गुण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो सद्गुण में जो है आपका सत जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। अगला यहाँ प्रश्न है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। बताएं, निर्जन में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन आप देखें। तो देखिए, निर्जन में जो है निरह जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न देखिए, निश्चल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। जो आपका निश्चल है इसमें आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए, निश्चल जो है आपका इसमें जो है निम्नलिखित में से आपका यहाँ पर देखिए निश जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आप देख रहे हैं, ये आपका सही आंसर है। निश जो है यहाँ पर आपका उपसर्ग लगा हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 14 नंबर बोल रहा है कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अनपढ़, यहाँ पर उपसर्ग का मतलब कि पहले देखेंगे शब्द में। तो देखिए, यहाँ पर अन जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए, अधिकार जो है इसमें अधि जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, अधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, अवगुण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। बताएं, तो अवगुण जो है ओ,
यहाँ पर ओ जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। अगला यहाँ प्रश्न है, सुकन्या में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो देखिए सुकन्या में जो है आपका सु, जो ये आपका पहला ही शब्द जो है, वह जो आपका वर्ण है सु, यही जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर है अनुचर, अनुचर में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर अनुचर में जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? अनु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, सह परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सह परिवार में जो है आपका सह जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, दृश्य चरित्र, दृश्य चरित्र में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर दृश्य चरित्र में जो है आपका, यहाँ पर जो है दू, ये देख रहे हैं ना, दृश्य यहाँ पर जो है आपका लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये उपसर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।